Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Myself, Muhammad Yusuf, presently posted at GMS High School, Longkhor, as a teacher. So, dear students, today we are going to start with Heredity and Evolution, Chapter 4, Class 10. So, first we will read the introductions that actually heredity and evolution is what is happening. तो जब कभी भी हम हेरेडिटी की बात करते हैं, यानी हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है कलर ऑफ आईज, these are characteristics of human beings. Now, color of hair, या अगर हम बात करें shape of nose, these are the few important characteristics of human beings. इन characteristics features को जो living organism के अंदर presence रहते हैं, they are called traits. And few traits, यानी कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है ट्रांसफर होते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हेरेडिटी। हेरेडिटी का मतलब हुआ, हेरेडिटी मींस ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी जब कभी भी कोई भी चीज जो है करेक्टर और ट्रेड जो है ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरेडिटी। दैट मींस ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दैट प्रोसेस कॉल्ड हेरेडिटी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे हेरेडिटी। नाउ, जो हमारे पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये दो डिफरेंट टाइप के जो है गेमिट्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। वन इज कॉल्ड मेल गेमिट, विच इज कॉल्ड स्पर्म, एंड द अदर इज कॉल्ड फीमेल गेमिट, एंड दिस फीमेल गेमिट इज कॉल्ड ओवर एग। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दो डिफरेंट टाइप के जो है गेमिट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक होते हैं मेल गेमिट्स, जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं, और दूसरा होते हैं फीमेल गेमिट्स, विच इज कॉल्ड ओवर एग। नाउ, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होते हैं, these two fuse with each other to form a zygote. ये दोनों जो है fuse करने के बाद जो है zygote बना देते हैं। This zygote gradually grow into a new individual. ये आहिस्ते आहिस्ते grow करने के बाद जो है new individuals के अंदर जो है convert हो जाते हैं। तो sexual reproducing organisms के अंदर male और female gamete जो है fuse करने के बाद fertilization process के दौरान जो है zygote formations होते हैं। zygote जो है आहिस्ते आहिस्ते grow करने के बाद new individuals के अंदर जो है convert हो जाएंगे। But this new individual is not true copy of their parents. ये new individual जो है true copy नहीं होगा parents का। There is a little difference between parents and these new individuals or offspring, and that difference is called viration. जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो डिफरेंस रहते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वायरेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वायरेशन। दो चीज हमने इसके इंट्रोडक्शन के अंदर स्टडी किया गया, एक तो हेरेडिटी, जो हेरेडिटी का मतलब हुआ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दूसरा हमने कहा वायरेशन, जो डिफरेंस रहते हैं पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के अंदर, दैट इज कॉल्ड वायरेशन। नाउ, ब्रांच ऑफ ए बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ, एक हेरेडिटी के बारे में स्टडी करना, हेरेडिटी हमने कहा ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और दूसरा वायरेशन के बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं।
That means the branch of biology which deal with the study of heredity and variations, that is called genetics. And the term genetics was first used by Bateson. ये टर्म जो है सबसे पहले यूज किया गया बैटिसन ने, बट फादर ऑफ जेनेटिक्स इज जॉर्ज जॉन मेंडल. दैट मीन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. टर्म जो है जेनेटिक्स जो है सबसे पहले यूज किया गया बैटिसन ने, लेकिन जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो मेंडल है. ये इसलिए क्योंकि जो बेस है जेनेटिक्स का, जो ट्रांसमिशन होते हैं करेक्टर और ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये सबसे पहले जो है एक्सप्लेन किया गया मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट करके पी प्लांट्स के ऊपर, जिसको हम कहते हैं पाइसम स्टीवम. इसीलिए इसको अवार्ड दिया गया जॉर्ज मेंडल को, फादर ऑफ जेनेटिक्स का. नाउ पी प्लांट के ऊपर जो है मेंडल ने किस टाइप के जो है एक्सपेरिमेंट किए गए, तो अगर हम मेंडल्स की बात करते हैं, ये 1822 में जो है पैदा हुआ था. इसके बाद 1884 के अंदर जो इसका डेथ हुआ. ये ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के अंदर जो है एक विलेज के अंदर पैदा हुआ था. इसके बाद जो है एसटी थॉमस मोनेस्ट्री के अंदर जो है थॉमस मोनेस्ट्री, इसके अंदर जो है ज्वाइन करवा दें ताकि यहां पे ये मॉन्क बन सके. जॉर्ज जॉर्ज मेंडल की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये 1822 से जो है 1884 तक हैं. ये ऑस्ट्रिया के एक विलेज के अंदर जो है पैदा हुए. इसके बाद जो है आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ देर के बाद जो है इसने एसटी थॉमस मोनेस्ट्री के अंदर ज्वाइन करवा दिया ताकि यहां पे जो है ये मॉन्क बन सके. नाउ इसके बाद एसटी थॉमस मोनेस्ट्री वालों ने इसको क्या किया, विनिया यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दिया, विनिया यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दिया ताकि यहां पे जो है ये बायोलॉजिकल साइंस और फिजिक्स का जो है स्टडी किया जा सके. तो यहां से ये वापस आते समय, क्योंकि एसटी थॉमस मोनेस्ट्री वालों ने इसको इसलिए भेज दिया क्योंकि मेंडल जो है बहुत ही इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स थे, इसीलिए विनिया यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दिया फॉर फर्दर स्टडीज के लिए. विनिया यूनिवर्सिटी से वापस आए एसटी थॉमस मोनेस्ट्री के अंदर, लेकिन ये एज ए कंट्रेक्चुअल टीचर बन के आए, साइंस टीचर बन के आए ताकि यहाँ पे जो है एसटी थॉमस मोनेस्ट्री के अंदर जो है जो मॉन्क्स है उनको जो है फिजिक्स और बायोलॉजिकल साइंस का जो है पढ़ाया जा सके. तो 18 थॉमस मोनेस्ट्री के गार्डन के अंदर जो है बहुत सारे खूबसूरत जो है पी प्लांट्स थे. इन पी प्लांट्स के ऊपर जो है मेंडल को बहुत ही इंटरेस्ट हुए इन पी प्लांट्स के ऊपर जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करने का. तो पी प्लांट को हम कहते हैं पाइसम स्टीवम, स्टेवम. इनके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया उसने, शुरू कर दिया पी प्लांट्स के ऊपर. तो ये पूछा जाते हैं मैक्सिमम, हालांकि इस मोनेस्ट्री गार्डन के अंदर जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स थे, लेकिन मेंडल ने जो है सिर्फ पी प्लांट्स को क्यों चूज कर लिए. बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल ने जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए जो है पी प्लांट को चूज कर लिए. सबसे पहले जो है पहला रीजन ये है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को इसलिए चूज कर लिए क्योंकि पी प्लांट हैव यूनिक कंट्रास्टिंग करेक्टर. इनके अंदर जो है बहुत सारे यूनिक जो है कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं. कंट्रास्टिंग करेक्टर, दिस इज द फर्स्ट रीजन ड्यू टू विच मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे जिसकी वजह से मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट को चूज कर लिए फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. दूसरा रीजन ये है, पी प्लांट आर इजिली अवेलेबल, ये हर जगह के अंदर जो है आराम से जो है अवेलेबल था. इसकी वजह से मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट को चूज कर लिए फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. तो तीसरा रीजन है, थर्ड रीजन, पी प्लांट इजिली ग्रो,
grow two times in a single year. That means biannual plant है, यानी साल में आसानी से जो है दो बार इसको ग्रो कर सकते हैं ताकि रिजल्ट को जो है जल्दी जल्दी लाया जा सके. तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल ने जो है पी प्लांट को चूज कर लिए फॉर इस हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट के लिए. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अबाउट जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहला टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर क्रोमोसोम. दिस इज द फर्स्ट टर्म्स विच आर यूज्ड इन जेनेटिक्स. इनको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी. तो जब कभी भी हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, क्रोमोसोम मीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल. सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंस रहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम. इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम. एंड द जीन्स मीन्स सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो सेगमेंट रहते हैं क्रोमोसोम्स का, दैट इज कॉल्ड जीन्स. ठीक. तो थर्ड जो टर्मिनोलॉजी है वह हमारा होमोजाइगस कंडीशन है. होमोजाइगस मीन्स अगर टू अलील्स आर फैक्टर या अगर दो अलील्स आर फैक्टर जो है सेम रहते हैं, दे आर कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन. दैट मीन होमोजाइगस कंडीशंस वो कंडीशंस होते हैं जहां पे टू अलील्स आर फैक्टर जो है क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. उस टाइप को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाल की बात करें, टाल को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैपिटल टी से मेंडल के केस में. तो यहां पे दोनों जो है अलील्स और फैक्टर जो है सेम है, कैपिटल टी. एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन. और हिट्रो फॉर दूसरा जो एग्जाम्पल है, ड्राफ्ट के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल टी. तो दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि यहां पे दो अलील्स और फैक्टर जो है एक जैसा है. तो इस टाइप के जो कंडीशन रहेंगे उनको हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन. तो नेक्स्ट जो है हिट्रोजाइगस कंडीशन है. थर्ड कंडीशन हमारा है हिटरोजाइगस कंडीशन. हिट्रोजाइगस का मतलब होते हैं अगर दो अलील्स और फैक्टर जो है डिफरेंट रहे, दे आर कॉल्ड हिट्रोजाइगस कंडीशन. दैट मीन फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे ये हमारा डोमिनेंट होगा कैपिटल टी, ये आ गया हमारा रेसिसिव होगा, ये हमारा एक्चुअली जो प्लांट्स होगा वो हमारा टाल होगा. तो लेकिन यहाँ पे जो दो अलील्स और फैक्टर है ये दोनों जो है डिफरेंट है, एक कैपिटल के फॉर्म में दूसरा स्मॉल टी के फॉर्म में, दोनों जो है डिफरेंट है, इसीलिए इस कंडीशन को हम कहेंगे हिट्रोजाइगस कंडीशन. तो थर्ड जो है, फोर्थ जो है डोमिनेंट डोमिनेंट मीन्स कोई अलील्स और फैक्टर विच एक्सप्रेस इट्सेल्फ इन F1 जेनरेशन, यानी F1 जेनरेशन के अंदर कोई भी अलील्स और फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसको हम कहते हैं डोमिनेंट. दैट मीन्स व्हेन द अलील्स और फैक्टर एक्सप्रेस इट्सेल्फ इन F1 जेनरेशन. दैट मीन F1 मीन्स फर्स्ट फिलहाल जेनरेशन के अंदर क्रॉस करने के बाद जो फर्स्ट फिलहाल जेनरेशन फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा उसके अंदर कोई भी अलील्स आर फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं दे आर कॉल्ड डोमिनेंट. उसको हम कहते हैं डोमिनेंट. तो नेक्स्ट जो है फिफ्थ पार्ट रेसेसिव. ये इसका अपोजिट है. जब कभी भी हम रेसेसिव की बात करते हैं, व्हेन द अलील्स आर फैक्टर व्हिच डू नॉट एक्सप्रेस इट्सेल्फ
जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते इन F1 जेनरेशन, अगर F1 जेनरेशन के अंदर कोई भी अलील्स और फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड रिसेसिव, उसको हम कहेंगे रिसेसिव। एक आते हैं हमारा डोमिनेंट, डोमिनेंट वो अलील्स और फैक्टर होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं F1 जेनरेशन के अंदर, दे आर कॉल्ड डोमिनेंट। रिसेसिव होते हैं वो अलील्स और फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, किसके अंदर, F1 जेनरेशन के अंदर। अगर फर्स्ट फिलहाल जनरेशन के अंदर कोई भी अलील्स और फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं रिसेसिव। नेक्स्ट फिनोटाइप और फिनोटाइपिक करेक्टर। फिनोटाइप, फिनोटाइप मींस अपीयरेंस करेक्टर, बाहर से तुम्हें जो करेक्टर दिखाई देते हैं, अपीयरेंस करेक्टर। फॉर एग्जांपल बाहर से जो है तुम टॉल दिखाई देते हैं कि ड्राफ्ट दिखाई देते हैं, तुम्हारा कलर क्या है, तुम्हारा साइज क्या है, ठीक है, इन चीजों को हम कहते हैं फिनोटाइपिक करेक्टर। जो बाहर से जो करेक्टर दिखाई देते हैं दे आर कॉल्ड फिनोटाइपिक करेक्टर। और लास्ट वन इज 7th पार्ट, जीनोटाइपिक करेक्टर। जीनोटाइप और जीनोटाइपिक करेक्टर मीन्स करेक्टर ऑफ जीन्स, जीन्स का करैक्टर क्या है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, या कैपिटल टी स्मॉल टी है। जो अलील्स और फैक्टर का जो करैक्टर होगा, जीन्स का जो करैक्टर होगा, दे आर कॉल्ड जीनोटाइपिक करैक्टर। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन जेनेटिक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम जेनेटिक्स के अंदर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा इसके अंदर जो है टर्मिनोलॉजी के अंदर जो टर्म्स हम यूज करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, उसमें हमने सबसे पहले कहा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट रहते हैं, दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। एंड द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन्स। इसके बाद हमने कहा होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन हमने कहा। होमोजाइगस कंडीशंस वो कंडीशंस होते हैं जहां पे दो अलील्स और फैक्टर जो है अगर सेम टाइप के हो, अगर सिमिलर हो, दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट हमने कहा हिट्रोजाइगस कंडीशन। हिट्रोजाइगस कंडीशंस वो कंडीशंस होते हैं जहां पे अलील्स और फैक्टर जो है एक जैसा नहीं होते हैं, डिसिमिलर टाइप के अलील्स और फैक्टर अगर प्रेजेंट रहेंगे दे आर कॉल्ड हिट्रोजाइगस कंडीशन। उस टाइप के जो कंडीशंस होगा वो हमारा हिट्रोजाइगस कंडीशंस होगा। इसके बाद हमने कहा डोमिनेंट। डोमिनेंट मींस कोई भी अलील्स और अगर मान लो कोई भी अलील्स और फैक्टर जो हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं F1 जेनरेशन के अंदर, दे आर कॉल्ड डोमिनेंट, उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। इसके बाद रिसेसिव का, कोई भी अलील्स और फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं F1 जेनरेशन के अंदर, दे आर कॉल्ड रिसेसिव। इसके बाद हमने कहा फिनोटाइपिक करेक्टर, दैट मीन अपीयरेंस करेक्टर को हम कहते हैं फिनोटाइपिक करेक्टर। बाहर से जो तुम्हें दिखाई देते हैं जैसे कि इसका कलर क्या है, इसका साइज क्या है, इसका शेप क्या है, तो वो आ गया हमारा किसके अंदर, फिनोटाइपिक करेक्टर के अंदर। जीनोटाइपिक करेक्टर मींस जीन्स का जो करेक्टर रहते हैं, किसके अंदर किस टाइप के जो जीन्स है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, या कैपिटल टी स्मॉल टी है, दीज आर कॉल्ड जीनोटाइपिक करेक्टर। इनको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइपिक करेक्टर कहते हैं। और ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज करने जा रहे हैं जेनेटिक्स के अंदर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, यानी किस तरीके से एक्यूमुलेशंस होगा वेरिएशन का, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। तो हमने कहा हेरिडिटी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर हमने दो टर्म्स कहे, एक का हमने हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब हुआ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दूसरा हमने कहा वायरेशन, वायरेशन मीन जो डिफरेंस रहते हैं पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के अंदर, दे आर कॉल्ड वायरेशन। किस तरह एक्यूमुलेशन होते हैं वायरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उस चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो मान लो ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, सिंपल सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे, दिस इज ए बैक्टीरिया and these bacteria is not heat resistance, heat resistance, ये heat resistance नहीं है। ये हमारे पास एक bacteria है, ये इसका chromosomes है,
दिस इज ए बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया को, कहने का मतलब ये हुआ कि इस बैक्टीरिया को अगर तुम थोड़ा सा हीट सप्लाई कर देते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। दैट मीन इट कैन नॉट बी हीट रेजिस्टेंस, ये हीट रेजिस्टेंस नहीं है। अब क्या कर रहे हैं ये बैक्टीरिया जो है बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड कर रहे हैं। बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करने के बाद इट प्रोड्यूस टू मोर बैक्टीरिया, ये दो और बैक्टीरिया को प्रोड्यूस कर रहा है, दो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। ये दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए बाइनरी फ्यूजन के दौरान। तो इसमें से ये हमारा फर्स्ट बैक्टीरिया, ये हमारा सेकंड बैक्टीरिया। अब मान लो कि ये सेकंड बैक्टीरिया के अंदर जो है लिटिल हीट रेजिस्टेंस आ गया, इसके अंदर वाइब्रेशन ये आ गया कि ये थोड़ा सा जो है हीट को जो है रेजिस्ट कर सकते हैं। दैट मीन तुम थोड़ा सा हीट एनर्जी अगर इसको सप्लाई कर देते हो तो थोड़ा सा जो है ये रेजिस्ट करेगा, इसके बाद ये बढ़ जाएगा। ठीक है, सुन लेना कि मान लो हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है हीट रेजिस्टेंस नहीं है। अब ये बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने के बाद दो मोर बैक्टीरिया को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट बैक्टीरिया हमारा हुआ, सेकंड बैक्टीरिया हुआ। अब जो सेकंड बैक्टीरिया है उसके अंदर वाइब्रेशन यह है कि ये थोड़ा सा हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ये वाला छोड़ो, अब ये जो है कंटिन्यूसली बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, लास्ट में जो है एट लास्ट इट प्रोड्यूस ए बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करेगा विच इज टोटली हीट रेजिस्टेंस, इसके अंदर जो है टोटली जो है हीट रेजिस्टेंस होगा। लास्ट में एक ऐसा बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करेंगे जो टोटली क्या होगा, हीट रेजिस्ट रेजिस्टेंस होगा। दैट मीन तुम जितना जो है हीट सप्लाई करो ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा। क्यों, इसलिए क्योंकि इसके अंदर अब वाइब्रेशन ये आ गया कि ये हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस ओवरऑल प्रोसेस कॉल्ड एक्युमुलेशन ऑफ वाइब्रेशन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइब्रेशन किस तरीके से एक्युमुलेट होते हैं ये इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आ गया हमारा एक्युमुलेशन ऑफ वाइब्रेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।